नमस्कार, मैं हूं लोकेंद्र सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के नेतृत्व में आज अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी 26 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। इससे पहले वो एक रैली निकालकर कलेक्ट्रेट भवन पहुंचे और उन्होंने प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम अपना ज्ञापन सौंपा। नमस्कार, मैं हूं लोकेंद्र सिंह ठाकुर। इस वक्त मैं हूं कलेक्ट्रेट परिसर में। आपको बता दूं, यहां पर आज एक ज्ञापन दिया गया। किस संबंध में आपने ज्ञापन दिया? आज हम सब भारतीय मजदूर संघ के विभाग प्रमुख श्रीमान धर्म स्वरूप जी एवं जिला मंत्री सुरेश जी रघुवंशी के नेतृत्व में यहां प्रदेश के अधिकारी एवं कर्मचारियों की विभिन्न लंबित 25 सूत्री मांगों को लेकर उपस्थित हुए हैं। ये 25 सूत्री मांगों का ज्ञापन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नाम जिला कलेक्टर को आज सौंपा गया है। इसमें पुरानी पेंशन बहाली हमारी प्रमुख मांग है। क्या ये राष्ट्रव्यापी आपका आंदोलन था कि ज्ञापन दिया जो आपने? ये इस प्रदेश में आपने, ये मध्य प्रदेश के पूरे 54 जिलों में आज यहाँ प्रथम मध्य आंदोलन के प्रथम चरण में ज्ञापन दिया गया है। द्वितीय चरण में 17 अक्टूबर को भोपाल में विशाल धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन होगा। ये देखिए, आज आपको बता दूँ कि यहाँ पर ये लोग अपना ज्ञापन लेकर आए। पुरानी पेंशन को लेकर इनका जो ज्ञापन दिया है, ये चाहते हैं कि सरकार इनकी पुरानी पेंशन फिर से चालू करे। इसको लेकर आज प्रदेश व्यापी आंदोलन किए गए, जिसके तहत प्रदेश में सभी जगह इस तरह ज्ञापन दिए गए और अपनी मांग को रखी गई है। न्यूज मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।